अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और मेरे घर शकील आ रहा है, आज पढ़ने के लिए आ रहा है, तो हमने आज रात बैठ के पढ़ना भी है। बहरहाल ये कि ब्लॉग का आगाज़ करते हैं और वो रस्ते के अंदर है, इंशाल्लाह 5 से 7 मिनट के अंदर वो पहुँच जाएगा मेरे पास, तो फिर वहाँ से ब्लॉग चल पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, जनाब आला क्या हाल चाल है? ठीक है, सफ़र मुश्किल तो नहीं था? बिल्कुल आसानी से आ गया। ये भाई आ गए थे, ये अंदर भी नहीं घुसे और मैंने इनको वापस ले आया। हाँ, चल रहा था तो इनको घर वाले खुद के साथ नहीं आया, उन्होंने कहा भाई आप भी बाहर जाओ उनके साथ, तो पता नहीं कहाँ पर लेके जा रहे हैं मुझे, कहाँ जा रहे हैं? नहीं, हम ऑरेंज ट्रेन जा रहे हैं, गुजरांवाला से आया है, अब इसको दिखा तो देना, लाहौर दिखाना तो है भाई। तो अब ऑरेंज ट्रेन के ऊपर सफ़र करेंगे, तो ऑरेंज ट्रेन तो आपको हमने दिखा दी है। हाँ, तो ऑरेंज ट्रेन नहीं दिखाएंगे हम, आएंगे आज। हाँ, और हमारा कैसा रहा? अभी व्लॉग शूट हुआ है, स्टार्ट हुआ है, और देखते हैं कि क्या एक बात और कहनी थी मैंने, नया मिलेगा हमारा जो ब्लॉग होता है उसमें कुछ हम पहले सोच के नहीं करते कि क्या करना है। हाँ, हम बस कैमरा उठाते हैं और शूट करना शुरू कर देते हैं। और एक तो चीज़ और बतानी थी कि मैंने न्यू कैमरामैन हायर कर लिया है, आज से वीडियोज ऐसे नहीं आया करेंगी। अच्छा, चल के दूसरी साइड से आएंगी। कौन हायर किया आपने? और कैमरामैन मेरा, वो भी सरप्राइज है। ओके, और ये हम ये सीढ़ियाँ खुद चल रही हैं यार, आओ बेटा लाहौर है ये। अच्छा, तो पता नहीं हम बोला क्या। अच्छा, हम अंदर बैठे हुए हैं तो हम हमसे ज़्यादा बच्चे इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। मैं 40 रुपये की टिकट है, फन लैंड जाने से अच्छा है इधर बच्चों को ले आओ, वो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। क्यों सलमान भाई, किसको ले आओ? बच्चों को मैं कह रहा हूँ जाने ले जाने से अच्छा 40 रुपये की टिकट है ऑरेंज लाइन की, फुल टू फुल मजे। हाँ, 10-12 बच्चे हैं वो यही पे एंजॉय हैं, वहाँ 200-230 रुपये के टिकट, फिर अंदर जाके हर झूले की राजा ये देखें, दिखाते हैं आपको बच्चे के कर रहे हैं। और पॉलिसी चेंज हो गई है, आप सबको भी बता दूं पॉलिसी चेंज हो गई है। अब अगर ऑरेंज लाइन की पॉलिसी चेंज कर दी है, बिल्कुल एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए आपको नया टोकन खरीदना पड़ेगा, वैलिडेशन एंड 90 मिनट, 90 से 60 मिनट जाते हुए आपको नया टोकन खरीदना पड़ेगा। वो पहले ये था कि 90 मिनट था, फिर 60 हुआ, फिर 30 हुआ और अब 0, अब नया टोकन खरीदना पड़ेगा। आप एक स्टेशन पहले बैठे हैं, वापस आपको दोबारा वो दोबारा से आपको पे करना पड़ेगा। तो लेकिन वो वीडियो बना रहा है, बड़ा मजा है और जो हालात थे वो मैं आपको वीडियो में दिखाता रहूँगा, तो फिर मिलते हैं। हमने आपको जो 100 रुपये दिए ना, तरीफे कर दें जल्दी से जी। 100 रुपये लेने के बाद सफर अच्छा था, लेकिन ये है कि वो ना, अच्छा 100 रुपये दे दिए भाई, ठीक था हमारा सफर, ठीक था। लेकिन ये है कि जो आने जाने में हमारा वो जो टिकट दोबारा से टोकन लेना पड़ा वो लगता, और जो बीच में आंटी जी बोल रही थी उनके कान से दर्द हो रही है मेरे कानों पे, मैं सुन रहा था, कोई भी सुन रहा था तो अच्छा था। लेकिन ये कि जब अंडरग्राउंड गई थी सिग्नल, तो हाँ पास सीन था, तालुकात अच्छे हैं, दोस्त हमारे अच्छे हैं, तो बाकी चले। फिर जो ये कैमरा मैन है, समझ नहीं पाऊंगा ये कौन है, पीछे शीशे में नजर आ रहा है। चलो ये सलमान रिकॉर्ड कर रहा है, चलो ठीक है।
खाना आ गया और अब हम खाने लगे और रिव्यू बाद में होगा। खा के फिर बताते हैं कि कैसा टेस्ट है। ये सलमान ने अपने हाथों से खुद बनाया, इसने कहा कि घंटा लगा कर। क्या बात, ये आपने किसी के नहीं बताना। हाँ बस ठीक है तो जी, खाना वाना हमने खा लिया था और फिर अब हम एक काम से निकले हुए थे और वो काम ये था, ये और ये भी था, बट सूट्स पर आए हुए थे। तो बस ये कि आज के ब्लॉग का इख्तिताम करते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। जल्दी ख़त्म नहीं, अभी ख़त्म नहीं होगा, अभी और आएगा। नहीं नहीं भाई जान किधर बेटा। अस्सलाम वालेकुम और अगले दिन की सुबह, हम सुबह से पहुँच गए। टाइम क्या आ रहा है? टाइम सुबह वैसे उठे तो हम 6 बजे के हुए हैं, तो 6 बजे के हुए हैं, 7 बज रहे हैं, 7:20 हुए हुए, 7:20 हो गए हैं और अब हम नाश्ते के लिए निकलने लगे। थोड़ा सा लेट हो गए, हम बातों में लग गए थे। बाकी ये था अपने नाश्ते के डेस्टिनेशन के ऊपर, सिनेमैटिक्स भी आपको दिखाएंगे और बाकी ये कि ठीक है, बाकी देखते हैं कि टेस्ट कैसा है, कैसा टेस्ट है। सुभान भाई बहुत तरीकों के पुल बांध के लाए हैं कि ये ऐसी होंगे तुमने कभी खाई नहीं होगी। नहीं खाई होगी बेटा, नहीं खाई होगी, देख लेना। बाकी कोई नहीं, खा के बताते हैं आपको कैसा टेस्ट था और बाकी मिलते हैं आगे। अस्सलामुअलैकुम, तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि नाश्ता वगैरह हमने कर लिया हुआ है और सलमान आपको आई थिंक सो नज़र ना, वो सामने वो ब्लू शर्ट में नज़र आ रहा है ना, ये सामने सलमान साहब पेमेंट करने गए हुए हैं। तो बाकी ये था कि बोंग मज़े की थी काफ़ी, आगे चलते हैं लस्सी वगैरह पीते हैं। नाश्ता किया हो, देसी नाश्ता किया हो, बोंग के साथ लस्सी ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो बाकी चले आगे जाके चलते हैं, सामान भी आता है तो फिर हम आगे निकलते हैं। तो बाकी फिर आगे हाँ भाई, लोर लोरे जिंदाबाद मुशर्रफ उतर, मज़ा ही आ गया। ले जी तो फिर लस्सी भी हो गई है, बहुत ही बड़ा ग्लास था और क्या कहते हैं, मज़ा आ गया। जेनुइन बात है, सुबह सुबह पाए भी खा ली, वो बोंग खा ली और इसके साथ साथ लस्सी भी पी ली। मैं कहता हूँ अखीर हो गई जी, लोरियों वाली हरकत हमने कर दी है, लोर लोर है ठीक है ना। तो बाकी ये क्या बड़ा मज़ा आया और यहाँ पर ब्लॉग का इख्तिताम करते हैं। इजाज़त है जी? नहीं अभी नहीं, व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।